आपके फोन का जो कैमरा होता है वो निब्बियों की तरह होता है, टैलेंट तो है बट वो उसका पूरा यूज नहीं कर पाती है। नहीं समझ में आया? सो हे व्हाट्स अप पब्लिक, कैसे हैं आप सभी। आजकल बजट रेंज में जितने भी फोन आ रहे हैं उसका कैमरा नेक्स्ट लेवल काफी अच्छा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बट क्या हो अगर मैं कहूं कि ये जो कैमरा है जिससे कि आप फोटो लेते हो वो उसका 100% यूज नहीं कर पाती है। मतलब आपका कैमरा जो है और भी अच्छे फोटोज क्लिक कर सकता है आपके ही फोन से, बट कहीं ना कहीं वो आपके इनबिल्ट कैमरा एप्लीकेशन जो है उसकी वजह से वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जी हाँ गाइज, आपका जो मेन एप्लीकेशन रहता है फोन में जिससे कि आप फोटोज क्लिक करते हो कैमरे वाला, वो उसका 100% यूज नहीं कर पाते आपके फोन के सेंसर का, ठीक है। तो इसी के लिए आज हम यूज करने वाले जी कैम, एंड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं जी कैम अपने फोन में, ठीक है। सबसे पहली बात, जी कैम ये है क्या? जी कैम तो जी कैम जो है ये इसका पूरा नाम गूगल कैमरा है, ठीक है। और ये जो गूगल पिक्सल्स डिवाइस होते हैं जैसे आपका हो गया रियलमी, वैसे एक पिक्सल्स भी है, तो उसका जो कैमरा एप्लीकेशन हो तो उसका मॉडिफाइड वर्जन हम दूसरे डिवाइस में यूज करते हैं, जैसे कि मेरा टेक्नो का यहाँ पे डिवाइस है, या फिर मैं रेडमी में यूज़ कर सकते हो आप, या फिर रियल में कोई भी डिवाइस हो आप उसमें यूज़ कर सकते हो इसका मॉडिफाइड एप्लीकेशन, ठीक है। जिसमें अगर आप फोटोज़ को क्लिक करते हो एंड आप अपने मेन एप्लीकेशन से कंपेयर करते हो आपको नेक्स्ट लेवल आउटपुट मिलने वाला है आपका गूगल फोटोज़ में, ठीक है। तो आउटपुट तो आप इंस्टॉल करके देखना, मैं आपको बताता हूँ जी कैम अपने फ़ोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और अपने कैमरे का 100% कैसे यूज़ कर सकते हो। तो रिजल्ट तो आप लोग बाकी खुद चेक करना, मैंने यहाँ पर कुछ फोटोज़ आप लोग को दिखाए एंड इंस्टॉल करने के बाद आप खुद इसका क्वालिटी चेक करना और बताना कैसा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसमें इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले मैंने आपको एक लिंक दिया है जी कैमेटर एप्लीकेशन का, जिसमें क्या होता है कि आपके डिवाइस में कौन सा एप्लीकेशन लगेगा जी कैम का वो आपको पता चलेगा, ठीक है। हम ऐसे ही किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज नहीं करेंगे, वो उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको सबसे पहले जी कैमेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको वहां से डाउनलोड करना है जी कैमेटर। पहले आप जैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा ओपन करते ही, कैमरा टू API, ये क्या चीज है? ये बेसिकली एक की है जिससे कि आपका जी कैम इनेबल होगा, मतलब इंस्टॉल होगा या फिर नहीं। अब जी कैम इंस्टॉल करने के लिए कैमरा टू API इनेबल होना बहुत ही जरूरी है आपके फोन के लिए, ठीक है। तो अगर आप में इनेबल होगा तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा, नहीं होगा तो वो भी लिख के आ जाएगा, ठीक है। कितने बार बोल चुका हूँ। तो अगर आपका कैमरा टू API इनेबल है तो आप सिंपली यहाँ पे से डाउनलोड स्टार्ट कर सकते हो एंड आप जी कैम को यूज कर सकते हो काफी सिंपल तरीके से। अगर आपका यहाँ पे लाइक नॉट इनेबल्ड बताता है तो आप दूसरे तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, उसमें ट्राई कर सकते हो, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता इसका अच्छा क्वालिटी होगा कि नहीं, बट आप ट्राई कर सकते हो। सिंपल आपको गूगल पे सर्च करना है गूगल कैमरा या फिर जी कैम 4, आपके डिवाइस का नाम लगाना, जैसे मेरा टेक्नो पोवा है तो मैं वहाँ पे लिखूँगा जी कैम 4 टेक्नो पोवा, तो आपको उसका APK मिलेगा, आप उसको इंस्टॉल करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फिर से ठीक है, बाकी अगर आपके पास कैमरा टू API इनेबल है तो आप इसमें काफ़ी अमेजिंग नाइट शॉट्स निकाल सकते हो, काफ़ी अमेजिंग पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हो, और तो फुटेज का क्या क्या है बताओ, काफ़ी अच्छा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। एक बार आप ट्राई जरूर करना, अगर आप फोटोग्राफी लाइक फ़ोन से करते हो तो उसमें एक बार ट्राई जरूर करना, काफ़ी अमेजिंग आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और सारा चीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो ट्राई करना तो बनता है। जाओ लिंक में क्लिक करो और मचा दो फोटोग्राफी की दुनिया में, काफी अमेजिंग आपको फुटेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस ये था वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।